प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में सतर्कता अब बढ़ गई है। शिक्षा विभाग भी अब सतर्क हो गया है और पटना के प्राइवेट स्कूलों में अब ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को भी वापस लागू किया जाएगा। इसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के तरह लागू करने की बात कही गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देशित किया गया है कि शिक्षण संस्थानों के संचालन में कोविड अनुकूलन व्यवहार संबंधी जारी मानक संचालन प्रक्रिया को यथावत लागू रखा जाएगा। नए कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखकर सभी छात्र छात्राओं और विद्यालय के कर्मियों के लिए मास्क का उपयोग और हैंड सैनिटाइजर का अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित किया गया है। ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था के तहत यह अब आवश्यक होगा कि विद्यालय में इंगेज सभी वयस्क कर्मियों को कोविड-19 टीका का दोनों डोज लेने के बाद ही विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। वहीं प्रतिदिन विद्यालय परिसर और वाहनों को सैनिटाइज भी किया जाना है। पटना के प्राइवेट स्कूलों को यह निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के तबीयत में जरा भी खराबी दिखे तो उस शिकायत पर उन्हें ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था से तुरंत अलग किया जाए। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे लेकर कुछ ट्वीट भी किए। उन्होंने लिखा कि प्रवासी बिहारी एवं विदेश से आने वाले प्रत्येक यात्री की पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच की जाएगी। हवाई अड्डा पर RT-PCR जांच के साथ रैपिड एंटीजन किट से भी जांच की जा रही है। बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पटना में अब सैनिटाइजेशन का काम भी तेजी से देखा जा रहा है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।